हेलो फ्रेंड्स, कार का इंजन में क्लीन करना बड़ा टिपिकल काम ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको बिल्कुल इजी बना दूंगा मैं। और इस कार के इंजन को मैंने क्यों चुना क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी है होंडा जैज और इसका इंजन बिल्कुल कंजेस्टेड है, इतना कि समझ लीजिए हाथ जाने की भी जगह नहीं है। और सारे सेंसर वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं, इन हर चीज़ को सेव करते हुए और बहुत अच्छे से क्लीन नहीं सुपर क्लीन इस इंजन को हम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो में जो छोटे छोटे टिप्स होंगे प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो टिप्स आपके लिए बेनिफिट देंगे। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले यहाँ पे डिग्रीसर का। डिग्रीसर कैसे मिलेगा, कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बनाया है, आप भी बना सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे बनाएं। साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ब्रश की। ब्रश देखिए मैंने जो लिए हैं, एक वायर ब्रश लिया है, प्लास्टिक ब्रश है, और एक और वायर ब्रश है, और एक टूथब्रश भी लिया है मैंने, और एक ये पेंटिंग वाला जो ब्रश होता है ये भी लिया है। जैसी जगह होगी वैसा हम ब्रश यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन ब्रश हमारे को ज़रूरी है और हाथों में ग्लव्स होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंजन में कई जगह ऐसी है जहाँ पे आपको हाथ डालने पड़ेंगे। तो सेफ्टी के लिए ग्लव्स हाथों में पहन लीजिए। और सबसे पहला काम कीजिए स्टार्ट करने से पहले, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इस टर्मिनल को रिमूव कर दीजिए और लूज करके इसको मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट। अब इसके बाद सिंपल ये जो डीग्रीसर है इसको अप्लाई करना होगा हमें पूरे इंजन वे पे, कुछ इस तरह से। अभी ये भी जो जितने भी कनेक्टर्स पे लग रहा है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम यहाँ पे केमिकल अप्लाई हो रहा है फिलहाल इन सारे एरिया पे। और बीच बीच में इसको शेक करना होगा, क्योंकि डीजल और पानी बीच बीच अपने आप अलग होता है, तो आपको बीच बीच में शेक करना होगा और इन सारे एरिया पे करना होगा अप्लाई। पूरे इंजन वे पे अप्लाई कर दिया। अब काम आएगा हमारा ये ब्रश, ऊपर के जो पार्ट्स हैं जो कि इजीली क्लीन किया जा सकते हैं वहाँ पे हमको ये ब्रश अप्लाई करना होगा। और इस गाड़ी का जो इंजन है वो इंजन वे काफ़ी टिपिकल है, इसलिए मैं इस गाड़ी पे आपको दिखा रहा हूँ। और गाड़ियों में आप देखेंगे जगह होती है, खुली होती है, और इसको भी मैंने डिसमेंटल किया था। अगर मैं चाहता तो उस समय इसको अच्छे से क्लीन कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे आपको दिखाना था कि किस तरह से ये सारा एरिया अगर ऐसा भी है तब भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसलिए इंजन बे क्लीनिंग की वीडियो मैं इस गाड़ी पे बना रहा हूँ। और ये गाड़ी होंडा जैज है। होंडा जैज जिन लोगों के पास है उन्हें मालूम होगा कि इंजन बे में कितनी कम जगह है और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि स्पेस काफ़ी होता है, खुला होता है, उनको क्लीन करना इससे भी ज़्यादा आसान है। बस ये टिप्स याद रखिए जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता है वहाँ तक आपको अप्लाई करना है। एक ब्रश ना पहुँचेगा फिर दूसरा ब्रश, दूसरा नहीं पहुँचेगा तो तीसरा ब्रश। हर तरह के ब्रश हैं अभी मेरे पास, तो वो उन चीज़ों को अप्लाई करके, और थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं होगा, ये टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हाँ बहुत अच्छे तरह से आप इसको क्लीन कर पाएंगे। और बीच बीच में फिर से आपको ये डिग्रीसर लगाना पड़ेगा। और डिग्रीसर लगाते समय भी कोशिश करेंगे कि जितने भी कनेक्टर्स हैं सेंसर के इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इस डिग्रीसर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बाहर से लेना पड़े, सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल होंगी। जैसे ये एरिया, यहाँ वो ब्रश नहीं जा रहा था तो यहाँ पर मैं टूथब्रश को अप्लाई करूँगा। अब ये जो एल्यूमिनियम पार्ट दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा और चमकाना है हमको, तो इसके लिए मैं डिग्रीसर यहाँ अच्छे से अप्लाई करके, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वायर ब्रश का। ये वायर ब्रश है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पे आप स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबर जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो उस स्क्रबर से भी इसको इजीली क्लीन किया जा सकता है, लेकिन अभी मेरे पास ब्रश हैं हर तरह के, तो मैं इन ब्रश का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से आप किसी भी कार के इंजन को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात याद रखिए कभी भी गार्डन होज से डायरेक्टली पानी इसके ऊपर मत डालिए। आपने ऐसा नहीं कि गार्डन होज लगाया और डाल दिया, बिल्कुल भी उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। मैंने जितना पानी यूज़ किया है मुश्किल से 2 लीटर पानी यहाँ पे यूज़ करूँगा। अभी कैमरा भी नीचे ले जाके दिखाता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हाथ नहीं जा रहा है वहाँ इस तरह से आप कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ये सबसे ज़्यादा टाइम वाला काम है और इसको आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है, बिल्कुल ध्यान देते हुए। बीच बीच में बहुत सारे पाइप हैं, कनेक्टर्स हैं, उन सभी को क्लीन करना है, छोड़ना एक को भी नहीं है, क्योंकि एक भी छोड़ेंगे तो वो बीच में दाग के जैसा दिखेगा और आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जगह का मैं टूथब्रश इस्तेमाल करूँगा। कभी यहाँ पे अगर ज़्यादा डिपॉजिट दिख रहा है तो यहाँ पे आप स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल पार्ट्स हैं, इजीली क्लीन हो जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट
जहां जहां मेरा हाथ पहुंच सकता था और जहां जहां जरूरी था वो हर एरिया पे मैंने ब्रश और डीग्रीसर अप्लाई कर दिया है। और अब करेंगे क्लीन। अभी मैं यहाँ पे इसी स्प्रे गन का यूज़ कर रहा हूँ, डीग्रीसर मैंने पूरा खाली करके और यहाँ पे खाली पानी भर लिया है। मैंने इसको सेट कर दिया है मिस्ट पे। अब करना क्या है, सिंपल पानी मुझे यहाँ अप्लाई करना है और जो एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे मैं पानी अच्छे से डाल सकता हूँ, और जो एरिया मुझे सेव करना है वहाँ मैं हल्का हल्का किनारे से यूज़ करूँगा। थोड़ा बहुत लॉजिक आपको खुद भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो सेम वैसे आप ही भी कर लें। आप अपने गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ज़रूर देखिए कि कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है, कहीं कोई कनेक्टर ऐसे इस वे में तो नहीं लगा और पानी डालते हैं तो उसमें भर तो नहीं जाएगा। अगर कहीं ऐसी जगह है तो उस जगह को आप अवॉइड कीजिए, उस जगह को कवर कर दीजिए। मेरे पास कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा था जिसको कि मैं कवर करूं। ईसीयू मेरा ऑलरेडी ऐसा कवर है कि मुझे यहां कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्प्रे गन है मार्केट में आप लेने जाएंगे मुश्किल से 20-30 रुपए की मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको ड्राई करने की। ऑलमोस्ट लगभग जितना भी एरिया था मैंने क्लीन कर लिया। ड्राई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर का। वैक्यूम क्लीनर को ब्लोअर मोड में मैंने एक्टिवेट किया हुआ है और ये पूरा एरिया मैं यहाँ पे करूँगा ड्राई। ड्राई करना बिल्कुल ज़रूरी है, कभी इसको अवॉइड नहीं करना है। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो फिर आप नुकसान उठा सकते हैं। जितना भी आपने पानी अप्लाई किया है, जो भी किया है, इन सारी चीज़ों को पूरे अच्छे से ड्राई करना है। जितने भी कनेक्टर्स हैं सबको अच्छे से सुखाएंगे, और जितना भी ऊपर का पार्ट है अगर इसको ड्राई नहीं करते हैं तो होगा क्या यहाँ पे कि आपको दाग दिखने लगेंगे, धब्बे पड़ जाएंगे सूखने के बाद। वैक्यूम क्लीनर अब मैंने बंद कर दिया। ऑलमोस्ट जितना एरिया था मैंने ये पूरा ड्राई कर लिया, और जो टोटल पानी इसमें यूज हुआ है मुश्किल से 2 लीटर पानी यूज हुआ होगा। पानी एक बार दिखा देता हूँ नीचे कितना गिरा हुआ है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ पानी इतना ही यूज हुआ होगा। देखिए ये पूरा पानी है, डिग्रीसर पानी टोटल मिला के इतना ही है। डिग्रीसर बनाने के लिए कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। एक स्प्रे गन है और बोतल। बोतल में मैंने क्या भरा, डीजल, पानी और डिटर्जेंट। अभी देख रहे हैं मिक्स नहीं किया मैंने इसके अंदर, ये डिटर्जेंट है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाइजोल मिक्स किया है, लगभग आधा ढक्कन लाइजोल का जो डिब्बा होगा, फ्लोर क्लीनर जो होता है, फ्लोर क्लीनर का एक आधा ढक्कन इसके अंदर मैंने ऐड किया है, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसी डिग्रीसर को अप्लाई करके इस इंजन में को हमने बनाया इतना क्लीन कि आप देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। अब नेगेटिव टर्मिनल लगा के कार को स्टार्ट कर लें। अभी इंजन स्टार्ट हो गया है और इसको कम से कम 10-15 मिनट इंजन को स्टार्ट रखेंगे। स्टार्ट रखने से होगा ये कि जो भी पानी का मॉइस्चर वगैरह पानी जहां कहीं होगा इंजन बे के एरिया में वो इस इंजन के हीट से ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो वीडियो में मैंने आपको यही दिखाना चाहा कि कम वाट पानी का इस्तेमाल करते हुए इंजन बे को बहुत अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।